तो दोस्तों आज का वीडियो है हमारा कि हमारे साथ एक मौजूद हैं, एक 12वीं पास लड़के हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया है। ये एक कह सकते हैं कि शहर से दूर कस्बा कहें, ठीक है, विलेज कहें, मतलब मेन शहर से नहीं है, शहर से थोड़ा सा दूर हटके वहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है और ये बेंगलोर में, ठीक है, फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो इंटरव्यू उन्होंने दिया लेकिन उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो ये शेयर करेंगे कि क्या हुआ इंटरव्यू में और किस तरह से रिजेक्शन का सामना किया और अब वो कैसा फील कर रहे हैं रिजेक्शन के बाद। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर हैदर से कि उनका फाइनल इंटरव्यू कैसा रहा लाइफ का। आइए हैदर जी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैदर और अभी मैं कुछ दिन पहले बैंगलोर आया था, मतलब आया घूमने के लिए था, पर जॉब के लिए भी अप्लाई करने की सोचा। तो दोस्तों मेरा पहला इंटरव्यू जो शेड्यूल हुआ वो एक टेलीकॉलिंग में थी कुछ, तो वहाँ पे एक मैनेजर था, एक पीएल था, तो जब मेरा 10-11 बजे के बाद इंटरव्यू जो है शेड्यूल किया गया और मैं टाइम पे पहुँच गया। ठीक है, अब मैं पहुँच गया, सर ने अंदर बुलाया, मैंने जाके देखा तो सामने एक पूजा चल रही थी, उन्होंने मैंने पूजा भी ज्वाइन की, जो पूरे स्टाफ की पूजा थी ज्वाइन की, उनके फ़ोटो क्लिक किए और सर ने मुझे अंदर बुलाया इंटरव्यू के लिए। क्वेश्चन किए मुझसे, कहाँ से हो, क्या नाम है, क्या करना चाहते हो लाइफ में, गोल क्या है आपका और ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। मेन क्वेश्चन जो होता है यही था कि जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आप ये। तो मैंने उन सबके आंसर दिए, सब बताया कि हाँ सर मुझे ज़रूरत है, मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ करके मैंने उन्हें बोला। तो सर ने पूछा इंग्लिश आती है, लैंग्वेज कौन कौन सी आपको आती है, मैंने बोला सर इंग्लिश मैनेजेबल है और हिंदी प्रॉपर तरीके से आती है। तो ठीक है हैदर, उन्होंने बोल दिया मैं कल से आप आ जाओ, कल सुबह 10 बजे ऑफिस है, आप 11 बजे से आ जाओ क्योंकि फर्स्ट डे आएगा आपका। अभी बाहर उन्होंने बोला थोड़ी देर वेट करो, अभी और कंफर्म करके बता देता हूँ आपको। अभी टीएल आया जिसने फोटो मुझसे क्लिक कराई थी, बहुत सूखा सा था भाई, मुझसे भी ज़्यादा सूखा, और उसने आके मेरा रिज्यूम लिया, वो इंग्लिश में बात करने लगा, जहाँ तक मैं मैनेज कर सकता था मैंने की, और वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा था, अच्छी इंग्लिश थी उस बंदे की। तो उसने बोला तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, अभी वो उसने एक क्वेश्चन किया फर्स्ट पीयूसी एंड सेकंड पीयूसी, हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं 12th इंटर हाई स्कूल ऐसे करके बोलते हैं, तो फर्स्ट पीयूसी सेकंड पीयूसी मुझे नहीं पता था। अभी वो पूछने लगा आपको इंग्लिश आती है, मैंने हाँ नॉर्मली जो आप पूछ रहे हो तो आंसर कर रहा हूँ। तो उसने बोला फर्स्ट पीयूसी सेकंड पीयूसी का मतलब क्या है, मैंने भाई मुझे नहीं पता। तो बोलता है तुम्हें इसका ही नहीं पता तो जॉब क्या करोगे, मैंने बोला आप बताओ इसका मतलब क्या है। तो बोलता है 10th 12th, मैंने भाई हाई स्कूल और इंटर बोल रहे हैं हमारे यहाँ। तो उसने बोला फिर और इंग्लिश में बात करने लगा, उसे लगा कि इंग्लिश की वजह से रिजेक्ट कर सकते हैं, तो उसने वो ही किया, इंग्लिश में बात करने लगा बहुत ज़्यादा, मुझसे मैनेज हो रही थी, मैं समझ रहा था, इंग्लिश में भी आंसर दे रहा था, हिंदी में भी दे रहा था। तो उसने बोला आप इंग्लिश आपकी नहीं है अच्छी तो मैं आपको यहाँ नहीं ले सकता। मैंने बोला भाई इंग्लिश के लिए काम करने थोड़ी नहीं आया हूँ, जो मेरा काम है हिंदी के लिए है, और जो जहाँ तक मैं सर ने बोला मैनेज कर सकते हो तो आओ, और मैंने सर से भी बात की, अभी आप बोल रहे हो नहीं आना है, क्यों नहीं आना है भाई। तो उसने बोला इंग्लिश मैनेजेबल भी नहीं है आपकी तो नहीं आ सकते आप। अभी भाई पहला इंटरव्यू था, पहली बार बैंगलोर आया, फर्स्ट रिजेक्शन, भाई बहुत बुरा, बहुत गुस्सा आया, मेरा तो मन कर रहा था अपना भाई पकड़ के बाहर लेके जाओ सूद, पर कुछ नहीं कर सकते थे भाई, बाहर आके कुछ नहीं कर सकते आप, वो रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट ना, बहुत गुस्सा आया। तो ये था आपका पहला रिजेक्ट, बहुत बुरा फील हुआ होगा और बहुत ज्यादा भाई, हम समझ सकते हैं। चलिए कोई नहीं, पहला इंटरव्यू था, हो गया रिजेक्शन और फिर आपकी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत इंटरव्यू आएंगे और हमारे हिसाब से तो यह कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद कुछ अच्छा ही होगा, इससे अच्छी बेटर जॉब आपके लिए लिखी होगी इसलिए पहला रिजेक्शन हुआ, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट आपके आने वाले इंटरव्यूज के लिए, जब भी सेलेक्ट हो जाए किसी अच्छी कंपनी में अपना करियर शुरू करें। तो दोस्तों ये था एक फीलिंग कि रिजेक्शन के बाद इंसान कैसा फील करता है, तो उम्मीद है आपको इससे कुछ सीख मिली होगी, कुछ आप सीख पाए होंगे कि रिजेक्शन को किस तरह से झेलना चाहिए और आपकी नहीं सभी की जिंदगी में रिजेक्शन आया करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दोस्तों लास्ट में ये कहना चाहूंगा, रिजेक्शन आते हैं पर कुछ अच्छा सिखा के जाते हैं भाई। वाओ, अप्रिशिएट।